वॉइस आ रही है? ओके। वीडियो आप लोग सब ऑफ करें किसी का। ओके आस्तर, वेरी गुड। ओके ओके रमन, अच्छा। गुड आफ्टरनून टू अलाखी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सौरभ वत्सल रामायण अनु। गुड आफ्टरनून प्रकाश शुक्ला, आप वीडियो अपनी ऑफ करिए। प्रकाश शुक्ला वीडियो ऑफ करिए अपनी। विशाल गुड आफ्टरनून आलो। गुड आफ्टरनून रविंद। विशाल वॉइस आ रही है? गुड आफ्टरनून आलो। विशाल वॉइस आ रही है आपको? ओके okay। ओके okay। तो हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया हुआ था कि कन्वर्जन के बारे में ना, डेसिमल टू बाइनरी हो गया था, डेसिमल टू ऑक्टल भी हो गया था, और हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल की। जी, और मैंने वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। मैंने कहा था जिस तरीके से आपने डेसिमल को बाइनरी में और डेसिमल को ऑक्टल में किया है, ठीक उसी तरीके से आप क्या करिए, डेसिमल को हेक्सा डेसिमल भी कन्वर्ट करिए। किसी का हुआ था? ओके आज तो वेरी गुड। जी, गुड। और ओके अनु, वेरी गुड। 15 को एफ लिखते हैं वत्सल ना, 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। तो 15 7 नहीं, क्या होगा, F7 ना। टू फोर सेवन का F1 बेस 16। ओके विकास, देखते हैं। किसी किसी का F7 आ रहा है, किसी किसी का F1 आ रहा है। चलिए हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसको फिर डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ओके वीडियो आप लोग क्या करें, अपनी ऑफ करें। कृष्णा कृष्णा वीडियो ऑफ करो आप अपनी। ओके कल का जो भी आपका पास क्या था, क्वेश्चन था क्या था, 247 था, 247। अब इसमें जो पॉइंट किसी को ना समझ में आया, ठीक है, आपकी जिस तरीके से आपने ज्वाइन किया है क्लास उसके बेस पे अगर आपको जो चीज ना समझ में आए तो ध्यान देना, मैं बता देना वहां पे। ओके ठीक है, चलिए देखिए बात यहां लोग करते हैं। 247 सॉरी, टू फोर सेवन।
आप बेस 10 इसे कन्वर्ट करना था हेक्सा डेसिमल मतलब बेस 16 में। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पास ए बी सी डी ई और एफ ये सारे के सारे सिंबल थे, इनकी जो वैल्यूज है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनकी जो भी वैल्यूज है आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी यहाँ पे 11 है और इसकी 12 है। और इसकी 13 है, यहाँ पे 14 है और F की क्या है 15। ओके, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला काम क्या होता, बोला गया था 2, 4, 7 को आपको यहाँ पे क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है, ठीक है, 16 से डिवाइड करना है। अब अगर आप अलग से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2, 4, 7 को, अगर आप 16 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कितने टाइम डिवाइड होगा, वन टाइम, कितने टाइम, वन टाइम, तो यहाँ 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। और यहाँ से देखा जाए तो आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, 14, 6, 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7, तो 16, 5 या 80 होता है, क्या होता है, 80 होता है, 7 बच गया रिमाइंडर, तो फाइनली रिमाइंडर क्या मिला, 7 और कोसेंट क्या मिला, 15। तो बोला गया था यहाँ पे कोसेंट को नीचे लिखना है और रिमाइंडर को साइड में लिखना है। ओके, इसके बाद 16 फिर से डिवाइड करेंगे ना, फिर से हम 16 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर आपका जो डिवाइजर वो बड़ा हो जाए और जो डिविडेंड है वो छोटा हो जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जीरो टाइम लेके जाना है, जीरो टाइम लेके जाना है। अगर ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए तो जीरो टाइम लेके जाना है, और जो यहाँ पे होगा वही क्या बच जाएगा, रिमाइंडर, जो यहाँ पर होगा और नंबर में वही क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। बस यहाँ पे एक चीज न्यू करनी थी, अगर आपका जो रिमाइंडर है अगर वो 9 से बड़ा आता है, अगर आपका रिमाइंडर 9 से बड़ा आता है तो उसके इक्विवेलेंट सिंबल में आप कन्वर्ट करेंगे, अल्फाबेट में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 यहाँ पे, और 15 का मतलब क्या होता है, एफ होता है, क्या होता है, एफ होता है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, क्या था, रिवर्स प्रोसेस, याद होगा आपको, रिवर्स प्रोसेस। इस तरीके से एफ को पहले लिखना है और 7 को बाद में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एफ 7 आप बेस 16, ये किसका हेक्साडेसिमल है, 2, 4, 7 का आप बेस 10। अब तो आई थिंक सभी को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। हिमांशु, हिमांशु आपका बैच कौन सा है, ये नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, देखिए वन सेकेंड का, यहाँ पे देखिए रामायण, यहां मैंने बोला है नंबर जो आप लोगे उसको क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, और 16 से डिवाइड करते हो तो दो चीजें मिलती हैं यहाँ पे, डाउट, तो वहां से दो चीजें मिलती हैं। और इसके बाद आपको यहाँ 16 से डिवाइड किया आपने, यहाँ पे तो वन टाइम गया 16 आया, अब डिवाइड तो कर लोगे आप ना, रिमाइंडर कितना आ गया 7, कोसेंट कितना आ गया 15, तो ये आपका हो गया, रिमाइंडर यहाँ लिखना होता है, कोसेंट यहाँ लिखना होता है। अब फिर से इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो छोटा हो गया, जीरो टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 15, ठीक है। मेरा कहने का मतलब अगर आप 15 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाएगा, जीरो टाइम, और यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 15, रिमाइंडर क्या बच गया, 15, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक, रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखते हैं, पहले एफ फिर 7, पहले एफ फिर 7, क्लियर है रमन, क्लियर है, ओके हिमांशु, दिख रही स्क्रीन, नहीं नहीं सेकंड मेथड नहीं यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है कि कोई अगर इससे फास्ट मेथड होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं बताऊंगा। तो बाइनरी में क्या था कि जो मैंने बेसिक रूल बताया था उससे फास्ट एक मेथड हमारे पास था, इसलिए मैंने इसको बताया। अगर मैं इसके बिहाफ पे मैं सारे एनालिसिस कर चुका हूँ यहाँ पे कौन सा मेथड बेटर है कौन सा बेटर नहीं, तो ये सबसे बेटर मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे बाइनरी बताया था, बाइनरी को शॉर्टकट से बताया था, क्योंकि अगर देखिए 2, 4, 7 है,
247 है। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे ना, बहुत लंबा डिवाइडेशन होगा, मतलब बहुत कई सारे स्टेप्स होंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर अगर इसको आप 8 से करते हैं तो आपको आई थिंक 2 ही 3 स्टेप में क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर आप इसको 16 से करते हैं तब भी 2 ही स्टेप में क्या मिल जा रहा है, जीरो मिल जा रहा है। इसका मतलब है 8 से डिवाइड करना, 16 से डिवाइड करना बहुत ज्यादा स्टेप नहीं होने वाला है। इस वजह से इसका सबसे बेटर मेथड, बेस्ट मेथड क्या बोल सकते हो आप, यही है, बेसिक मेथड है। ओके, सभी को समझ में आ गया, लिख लिया आप लोगों ने, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके देखिए, इसका मतलब ये है कि आप एक टाइप का यहाँ पे नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ चुके हो। मैं बस सार बता रहा हूँ कि अगर अगर आपको यहाँ पर मान लेता हूँ 10 दिया गया हो, क्या दिया गया हो, 10 दिया गया हो, और साथ ही साथ यहाँ पर राइट साइड में, सॉरी कुछ प्रॉब्लम है, जी, ओके, राइट साइड में यहाँ पर ध्यान देना, जी, BCA फर्स्ट सेमेस्टर है, हिमांशु, नंबर सिस्टम चल रहा है, इससे पहले 2-3 क्लास हो चुकी है, 2, 8 या फिर क्या हो, 16 हो, मतलब आपके पास लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में क्या हो, आपका डेसिमल नंबर दिया हो, और यहाँ पे जो आपका राइट साइड है, जो आपको फाइंड आउट करना है, या बाइनरी करना हो, चाहे ऑक्टल करना हो, चाहे क्या करना हो, हेक्साडेसिमल करना हो, तो आप क्या करते हैं, इस नंबर जो डेसिमल नंबर होता है उसको जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, सभी लोग आप लोग यहाँ पे, कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई नंबर दे रहा हूँ 40 40 है, अगर इसको आपको बाइनरी में करना हो तो 2 से डिवाइड करना होगा, अगर ऑक्टल में करना हो 16 से कर सॉरी 8 से करना होगा, अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड करना होगा इस नंबर को, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हेक्साडेसिमल तो मैं एक ही बताया था, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिए, ये बता रहा था कि रूल एक ही होंगे सबके लिए, 2 से डिवाइड, 8 से डिवाइड और 16 से डिवाइड। चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा, दूसरा एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल का, वन सिक्स फाइव, सॉरी ये 1 है 6 और क्या है 5 है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या मिलेगा हमें, 165 को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, A5। सौरभ आपका A5 आ रहा, अनु आपका A5 आ रहा, सौरभ 1 5 कैसे आ रहा है, अनुराग A5, आई थिंक A5 सही होगा, काफी लोगों का A5 आ रहा है। ओके आलो, वेरी गुड अनु, वेरी गुड अनुराग, गुड सौरभ, आप चेक करिए, वत्सल A5, वेरी गुड, रामायण आंसर कितना आया, सभी लोग बताइए जितने लोग ऐड हैं, ना समझ आया तो ओके रामायण, वेरी गुड अमन, गुड वेरी गुड रविंद्र, रविंद्र 1 5 नहीं, A5 आ रहा आंसर, नो विकास, आंसर A5 आ रहा है, ए और 5, वेट हिमांशु, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो क्लियर होगा। ओके आप अरुण सर से कांटेक्ट, ओके कनक, वेरी गुड,
आप अनुन सर से हिमांशु कांटेक्ट कर लेना, मैनेजमेंट। ओके आप सॉल्व कर, ठीक है, आप अरुण सर से कांटेक्ट कर लेना, हिमांशु। ओके गौतम, वेरी गुड। और हाँ, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड वहाँ से हो जाएगी, तो समझ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, फिलहाल अभी न्यू न्यू टॉपिक से कंटिन्यू करिएगा हिमांशु। ज्योति 15, देखिएगा क्या करना है आपको, 16 से डिवाइड करना है। कितनी टाइम डिवाइड होगा ध्यान रखना, ये कितने टाइम डिवाइड होगा, वन टाइम, यही ना। पहले कितने टाइम होगा, मैं यहाँ अलग से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ ना 165, जो मुझे रूल अप्लाई करना है इस तरह मैं लिख लेता हूँ, ठीक। तो 16 वन जा 16 फाइव, यही गलती आप लोग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा, जब कंप्लीटली क्या होता है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है, आपने अपने बचपन से ही डिवाइड पढ़ रहे हो, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेना होता है। मतलब कितने टाइम गया है, 10 टाइम। ओके वेरी गुड विकास, कितने टाइम गया है ज्योति, ध्यान देना आप इस बात को, कि अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। अगर आप जीरो नहीं बढ़ा रहे हो तो आप क्या करो, यहाँ पे फाइव डायरेक्टली लिख रहे हो, अब कितना टाइम जाएगा, जीरो टाइम, तब भी आप उस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं आपको जो अपने पढ़ा हुआ है इससे पहले, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, नया रूल नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड का। तो ये कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप खुद ही बताओ, अगर 165 है तभी तो 10 टाइम जाएगा, 160 आएगा, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 160 आएगा, तभी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर, इसका मतलब है कि जब 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 160, तब कितना बचेगा, 5, ठीक। इसका मतलब है रिमाइंडर कितना आया आपका, ये रिमाइंडर 5 आया, और क्वोशन्ट कितना आया, 10 आ गया। तो क्वोशन्ट को नीचे लिखते हैं, क्वोशन्ट 16 से करिए इसको, क्वोशन्ट को नीचे लिखते हैं और रिमाइंडर को साइड में लिखते हैं। ज्योति क्लियर है, कैसे यहाँ पे 10 आया, क्लियर है जिनको, जो लोग 1 बता रहे थे। ओके विकास, वेरी गुड। ओके अब फिर से क्या करना आपको, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 से डिवाइड करना, 16 से डिवाइड करना है और जीरो टाइम जाएगा। ओके सौरभ, वेरी गुड, जीरो यहाँ पे जीरो, हाँ गुड सर। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 10 लिख देंगे, ठीक है। और 10 को क्या लिखते हैं हम लोग, ए, ये तो सभी को पता है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर फॉलो करिए, कितना मिलेगा, ए 5, कितना मिलेगा, ए 5, आप बेस 16, और यहाँ पे मिल जाएगा आप किसकी बननी थी 165, सॉरी किसका हेक्साडेसिमल था 165, आप बेस 10 का, ये मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, हो जाएगा सभी का। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल है इसका, इसको आप लोग सॉल्व करिए क्या आएगा। थोड़ा मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे साइज मैंने बढ़ा दिया, और वैसे ही करना है, डिवाइडेशन आप अलग से करो। ज्योति सौरभ ध्यान देना आप लोग, और एग्जाम जो होते हैं बीसीए का टाइम बहुत होता है, तो इसलिए आप बहुत जल्दबाजी ना करिए, बस वो आंसर सही होना चाहिए। वन टू टू नाइन को कन्वर्ट करना 16 में, D7,
सौरभ दोबारा ट्राई करिए। 4CD अनुराग सही दिख रहा है, किसी और का आंसर आने दीजिए। सौरभ दोबारा ट्राई करिए। हिमांशु आप देखते रहो हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस तो बताया जा रहा है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, इसके पीछे का पता नहीं होगा, बात अलग है। ओके, वेरी गुड। विकास, वत्सल, अनुराग, आलोक, BCD अनुराग, आलोक, BCD नहीं है, 4AD विकास, नहीं जी, 4CD आ रहा था। जिनका 4CD के अलावा कोई दूसरा आया है वो लोग फिर से ट्राई करें। आंसर आई थिंक BC, 4CD आ रहा, 4CD आंसर काफी लोगों का ये आया, 4CD आप B16 आई थिंक ये सही होगा, क्योंकि काफी लोगों का आंसर आ रहा है करने। हाँ ओके ओके, सोनू वेरी गुड, आशुतोष गुड, ज्योति वेरी गुड, ज्योति, विकास 4AD, फिर आपने 4AD लिखा विकास। आंसर कितना है आपका, 4CD या 4AD? सौरभ वेरी गुड, सौरभ 4CD, विशाल 4CD। ओके ओके, ओके सभी का 4CD, वेरी गुड। मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। ओके आलोक, आलोक जी, मतलब सभी का सही, वेरी गुड विकास। देखिए बस मैं आई थिंक वेरीफाई तो करूंगा ही करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो बस पार्ट में कर रहा हूँ। 1229 है यहाँ पे आपके पास, और सभी लोगों ने कर लिया, ठीक है, तो 16 से करिएगा, तो 16, ठीक है, यहाँ पे 16 आपका जो क्या होता है, कितने टाइम जाएगा, 16 सिक्स जा 96, 16 सेवंजा 112 होता है, 16 सेवंजा क्या होता है, 112। कनक धर प्रॉब्लम हो रही है आपको, चलिए शायद स्टार्टिंग से कर रहे हैं। 9, ये क्या 16, 16 सेवंजा क्या होता है, 112, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्या मिला आपको, 10, क्या मिला 10, 16 सिक्स जा 96, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3, क्लियर, और यहाँ से आपको 1 कितना मिला, 13। जब आपने इसको डिवाइड किया 16 से पहले तो आपको रिमाइंडर कितना मिला, 13। रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं आप लोग, साइड में, और क्वेश्चन कितना मिला, 76, कितना मिला 76। ये क्लियर लाइन सभी को, मेरा नहीं आया सर, ओके। देखते रहिए आप हिमांशु, ठीक है, आप देखते रहिए, अगर आप यहाँ पे कुछ परसेंट सीख जाते हैं तो बेटर है, क्योंकि न्यू टॉपिक में स्टार्ट करेंगे वहां से क्लियर होगा। देखिए इसके बाद 13, 13 को आप क्या लिखते हो, डी, तुरंत आप लिख दिया करो, ठीक, जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, 13 को हम लोग लिखते हैं डी, ठीक। इसके बाद 76, हिमांशु आप आज ज्वाइन किए हो तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, इसलिए आप पेशेंस रखिए, नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करिए। 16 कितने टाइम जाएगा यहाँ पे, 16 फाइव जा 80 होता है, जो कि कम है, 16 फोर जा फोर टाइम जाएगा, 16 फोर जा आपका 64 होता है, क्या होता है 64 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या 76 है, तो 76 है और कितना होता है 64 होता है, तो कितना मिलेगा आपको 12, कितना मिलेगा 12, 12 को आप क्या लिखते हैं सी, क्या लिखते हैं सी। इसके बाद यहाँ पर फिर 16 से करना तो छोटा हो गया ना, सभी को पता है जीरो टाइम, रिमाइंडर क्या मिला आपको 4, ठीक, विवेक सी 4D नहीं 4CD, ओके। पहले क्या लिखना आपको, पहले क्या लिखना, उल्टा मत लिखा करिए आप लोग, आप लोग गलती करते होंगे कभी कभी, कि रिमाइंडर को हमेशा साइड में लिखना है, ठीक, और क्वेश्चन को हमेशा नीचे लिखना है, ये गलती मत करिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले 4 लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर क्या लिखना है डी लिखना है, तो आपका हो जाएगा 1229 आप B16, इसके बाद 4CD आप B16। और एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे सभी का सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो ये गलती कभी कर रहे हो 4CD सी 4D, ये सही करो अपनी आप, ठीक है, तो जल्दबाजी में कह रहा हूँ मत करिए हमेशा आप लोग। यहाँ पे क्या है कि रिमाइंडर को साइड में लिखना है आपको, जैसे ही फाइंड आउट होता है रिमाइंडर को कॉल करिए साइड में,
और क्वेश्चन उकाल करिए नीचे वहां पे, ठीक है? इस तरीके से आपका गलत नहीं होगा, बस एक दो लोगों का गलत था, बाकी सही था सभी का। सही है, फोर सीढ़ी। अब जिसका भी कोई कंफ्यूजन हो वो क्या करे, इसको देख करके सॉल्व करे, खुद से करे हो, ठीक है? यहाँ पे लिखने के बाद वो खुद से करे। हो गया सभी का? आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम किसी को? जो न्यू ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनको समझ में ना आया हो, आप इसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, तो जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, ठीक है? नहीं तो आप अरुण सर से बात कर सकते हैं। डी कैसे होगा? हिमांशु यादव, देखो डी यहाँ पे इसलिए होगा कि ये ऑलरेडी क्या है, मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर ए मतलब 10 आता है अगर, तो क्या लिखना है आपको? ए लिखना है, ये प्री डिफाइंड है, हिमांशु प्री डिफाइंड है। अगर 11 आता है तो क्या लिखना है आपको? बी। अगर 12 आता है तो सी। अगर यहाँ 13 आता है तो डी, और अगर 14 आता है तो ई, और 15 आता है तो एफ। इससे आगे नहीं मिलेगा आपको कुछ, ठीक है? जब भी मिलेगा तो 10 से 15 तक, 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 से 15 तक नंबर आएगा, तो उसको क्या करना है आपको, अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है। ये हिमांशु चीज लिख लो आप, ठीक है? यहां से आता है, ठीक, बस याद रखना बहुत आसान है, 10 से 15, ए से एफ, बस सिंपल है। इसको हटाएं यहां से, हम रिमूव करें। विवेक फोर सीडी होगा, विवेक फोर सीडी होगा, देख नहीं रहे हो आप? फोर पहले लिखेंगे, नीचे से लिखते हैं ना ऊपर, फोर सी फिर डी। खुद से ट्राई करो आप, कई बार लिखो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपका कैलकुलेशन तो सही कर रहे हो। आप कोसेंट को, कोसेंट मतलब जो आपका यहाँ साइड में होता है, ये कोसेंट होता है, इसको हमेशा नीचे लिखा करो, ये रिमाइंडर है जो नीचे होता है, इसको साइड में लिखा करो, ठीक है? तो उल्टा लिखना पड़ता है हमें, ध्यान रखना। यहाँ पे जो हम फाइंड करते हैं ये साइड में आता है और ये नीचे आता है, लेकिन लिखना कैसे है, इसको साइड में लिखना है, इसको इसको साइड में, इसको नीचे लिखना है, ठीक? डिवाइड करने के बाद इसकी पोजीशन अपोजिट कर दिया करो, इसको नीचे लेके आया करो, इसको ऊपर साइड में लेके जाया करो, यहाँ पे जब यहाँ पे आप लिखते हो तो। चलिए अब आई थिंक आपका ये हो चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम आपका कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन आपका है फोर्थ। जी 16x12 192 होता है विवेक। विवेक आप कहना क्या चाहते हो? विवेक अब ध्यान देना, सॉरी हिमांशु, यहाँ पे ध्यान देना आप। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो बाइनरी टू डेसिमल है, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपके फंडामेंटल के टीचर ही बताए हैं आपको कि यहाँ पे देखिए एक कंप्यूटर है, ये क्या है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। अब यहाँ पर यूजर होता है, मतलब आप होते हो, आप इसको कोई इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक है? क्या करते हो आप? कोई इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक, कोई डेटा प्रोवाइड करते हो, जो क्या होता कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, रिजल्ट, क्या मिलता है, आउटपुट, जिसे लोग किस नाम से जानते हैं, रिजल्ट के नाम से, ठीक है? जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर पे आप लोग को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, कोई काम करवाना है, तो बोला गया था कि जैसे आपको ये कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है, क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कैलकुलेटर है कंप्यूटर, क्या है यहाँ पे, कैलकुलेटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वीडियो ऑफ करिए अपनी, जो भी हो, ठीक। ये क्या है आपका, कैलकुलेटर है।
अब आपने, आपको क्या करना है, फोर और थ्री को, फोर थ्री को मल्टीप्लाई करना है। आपने लिखा क्या, थ्री ले लिया और क्या ले लिया, फोर। ये कंप्यूटर को दिया आपने, तो मैंने बताया था आपसे कि कंप्यूटर क्या समझता है, जीरो वन, क्या समझता है, जीरो वन। इसका मतलब है अब आप थ्री और फोर को कन्वर्ट कर सकते हो जीरो और वन में, थ्री फोर को आप जीरो और वन में कन्वर्ट कर सकते हो, सभी लोग थ्री फोर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो लोग स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं वो लोग बताएं, क्या आप जीरो वन को, मतलब थ्री और फोर को जीरो वन में कन्वर्ट कर सकते हैं? वत्सल जी, वेरी गुड, ओके सौरभ। चलिए फोर की बाइनरी बताइए, फोर की बाइनरी क्या होगी? तो आपको दो तरीका बताया गया, शॉर्टकट मेथड और बेसिक मेथड। तो फोर की बाइनरी बताइए आप लोग, वेरी गुड सोनू, थ्री की बाइनरी वन वन, वेरी गुड विकास, फोर की बाइनरी बताइए, वर्चुअल कंप्लीट करिए आशुतोष, वेरी गुड, थ्री की वन वन और फोर की जीरो जीरो, वेरी गुड आशुतोष। वत्सल 100, वत्सल 100, रविंद वेरी गुड, फोर की आलोक होगी 100, वेरी गुड विकास, सौरभ वेरी गुड, थ्री की वन वन, अब मैं बाउंड्री बहुत डिटेल से आने ही बताऊंगा। पैटर्न लिखना है आपको, पैटर्न सभी को पता है, वन टू फोर, किसकी बाइनरी चाहिए, फोर की। पैटर्न की वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, फोर तक, कम होनी चाहिए बराबर, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ध्यान रखना, वन टू फोर, ठीक है, बराबर तक जा सकते हैं। आप ये बताओ, अगर आपको फोर को टू में कन्वर्ट करना है, फोर को टू में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ध्यान देना, ओके वत्सल वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करोगे, वन टू फोर करोगे और यहाँ इसके नीचे वन लिखोगे, मिल गया आपको फोर, बाकी किसी को ऐड नहीं करना, तो क्या आ जाएगा, वन जीरो जीरो, ओके। तो थ्री की बात नहीं, आप छोड़िए, जिसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अलग क्वेश्चन था, ठीक है, हिमांशु आपके लिए नहीं था। अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है तो वो आप, मैंने बताया था कि आप रिवाइज में करूंगा, वहां सब क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है, अब बेसिक से आइए सब लोग, सभी को समझ में आएगा। यहाँ पे थ्री और फोर को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये है थ्री की बाइनरी, वन वन आया था ना, आगे हम जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। हम लोग ऐसे लिखने का तरीका, आप वन वन लिख के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है फोर की बाइनरी, हम सोचे दोनों बराबर दिखे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। तो ये थ्री की बाइनरी, किसकी बाइनरी है, फोर की बाइनरी। अब कंप्यूटर को सही तरीके समझ में आ जाएगा, अब कंप्यूटर एडिशन करना एडिशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये इसने क्या किया, इसको चलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताइए कितना आना चाहिए, 12, कितना आना चाहिए, 12। लेकिन 12 की बाइनरी आएगी यहाँ पे, 12 की क्या आएगी, बाइनरी, ये है 12 की बाइनरी। अब ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, आप लोग बाद में कर लेना यहाँ पे, ये किसकी बाइनरी है, 12 की बाइनरी है, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मॉनिटर होगा, जहां पे 12 दिखता है आपको, तो ये कंप्यूटर ने जब आपको मल्टीप्लाई करके दिया, कंप्यूटर ने आपको जब ये हेक्साडेसिमल नहीं है, ओके वत्सल, सी की बात है मत करिए आप लोग अभी। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आपके पास क्या है, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट किसने दिया आपको, कंप्यूटर ने दिया, ठीक है, रिजल्ट किसने दिया आपको, कंप्यूटर ने दिया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद लेकिन जब आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट आता है तो क्या ऐसा रिजल्ट आता है, क्या 1100 आएगा, जी नहीं, ठीक है, 1100 नहीं आएगा, कैसा दिखेगा आपको, 12। इसका मतलब है ये है बाइनरी, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। और जो यूजर, जो आप जिसपे काम करते हो, क्या होता है, डेसिमल, क्या होता है, डेसिमल। ये भी नंबर कैसा था आपका, डेसिमल। तो डेसिमल को आपने बाइनरी में तो सीख लिया है, डेसिमल को आपने बाइनरी में
सीख लिया है, लेकिन अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ना। इसका मतलब है हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो बाइनरी टू डेसिमल होगा, और जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल सीख जाएंगे तो कंप्यूटर का पूरा प्रोसेस परफॉर्म करवा सकते हैं और सही तरीके से समझ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बस एक मैंने बताया था, बार बार मैं इस चीज को बताऊंगा आपको, मैंने एक दो बार डिस्कस भी किया इसके पीछे, आज फिर से वही कर रहा हूँ कि क्या नीड है डेसिमल टू बाइनरी की और क्या नीड है बाइनरी टू डेसिमल की। कंप्यूटर जब प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है तो बाइनरी में होता है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करता है कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे, जो डेसिमल में कन्वर्ट होके हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ये रीजन है बाइनरी टू डेसिमल पढ़ने का। क्लियर है? हेडिंग बनाइएगा बाइनरी टू डेसिमल, ये बस समझने के लिए था, ठीक है? यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है आपको। चलिए बाइनरी टू डेसिमल, हिमांशु अभी यहां से ध्यान से देखना आप, बाइनरी नंबर वो नंबर सिस्टम होता है जो 0 और 1 से मिलकर बना होता है। मतलब बाइनरी नंबर में जैसे इंग्लिश में हम लोग 26 सिंबल यूज करते हैं, वैसे बाइनरी में सिर्फ 2 ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। और बाइनरी नंबर के नीचे हम लोग हमेशा 2 लिखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बाइनरी का बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है, ध्यान रखना हिमांशु। इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब डेसिमल क्या होता है, कोई ऐसा नंबर सिस्टम जो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करता हो और बेस क्या हो, 10 हो। मतलब कोई भी नंबर जिसके अंदर ये मतलब इन्हीं सिंबल से बने हुए कोई भी कॉम्बिनेशन लिखा हो उसका बेस क्या हो, 10 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल। अगर सिर्फ 0 और 1 होता है, बेस 2 होता है, तो क्या बोलेंगे, बाइनरी बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। चलिए एक बाइनरी नंबर लेते हैं, 10110। इसे कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में। कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल में। तो यहां तक की बातें समझ में आई, हम करने क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सभी को क्लियर है यहां तक? क्योंकि अब ऑपरेशन परफॉर्म शुरू करेंगे यहां पे। तो जिसको भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है, 2 मिनट के यहाँ लेफ्ट है यहाँ पे, जिसको भी कंफ्यूजन हो इसमें डेसिमल, हिमांशु आपको कल की क्लास बेटर तरीके समझ में आएगी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करना वहां पे बता देना, या अभी किसी कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। तीनों में कोई प्रॉब्लम है किसी को, क्योंकि ये आज हो नहीं पाएगा, ठीक है? अभी मीटिंग अपने आप एंड होती है, आपको पता है कई बार हो चुका है ऐसा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करिए, यहां तक कंप्लीट करिए अपना, और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ट्राई कर सकते हैं रामायण, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब रूल अब आपको बताया नहीं है तो। अमन, यस सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। ओके अमन, नेक्स्ट क्लास से आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? और हाँ, मैंने जो नंबर बताया ना आपको, ये नंबर 888-188-9544, 954 है, इस पर आप क्या करिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस भी तरीके से सॉल्व होने लायक होगी। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।